इमेजिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बॉटनेक गले पे एक गले की डिज़ाइन बताएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पेपर बकरम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी चौड़ाई रहेगी 6 और लंबाई है 11, जिसमें तैयार गला हमें चाहिए 10 का। तो गला बना गले की चौड़ाई रहेगी हमारी सिर्फ 4 इधर से और नीचे से भी 4। एक बॉक्स बना लेंगे इसका इस तरह से। और ये बैक नेक की डिज़ाइन रहेगी, जिस पर हम पान की शेप की आकार की डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, हम इसको इस तरह से एक शेप दे देंगे का। इस तरह से हमने ये शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से पान का शेप देंगे। तो 1 इंच तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इस तरह से निकाल लेंगे। हम इसे जिसमें पान की हमारी चौड़ाई रहेगी 3 इंच सेंटर में, ये इतना हम यहाँ से इस तरह से इसको डॉट डॉट करके पान का पहले शेप देंगे। यहाँ इस तरह से और यहाँ पर 1 इंच ऊपर लेंगे लगभग और इसको यहाँ गोलाई दे देंगे। ये हमारा पान का शेप हो जाएगा। हम इस पे डार्क कर लेंगे। इस तरह से इसके बगल से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। यहाँ से भी इसके चारों तरफ से इसी प्रकार से एक्स्ट्रा लेते जाएंगे। अगर आपको 1 इंच ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं आप इस तरह से। अब हम कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से हमने ये काट दिया। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था अब यहाँ से भी इसको काट देंगे। इस तरह से हमने ये पेपर बकरम पे काट लिया है। इसको थोड़ा सा जोड़ रखा है, हम चिपका लेंगे पहले इसे एक कपड़े पे, उसके बाद फिर यहाँ कट कर देंगे बकरम चिप। इस तरह से हमने बकरम को कपड़े पे चिपका लिया है। अब चिपकाने के बाद क्या करेंगे, साइड साइड से इस तरह से आप भी छांट लें, थोड़ा सा आधा इंच के लगभग एक्स्ट्रा कपड़ा रखें, बाकी का आप हटा दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जो है ना इसको बिल्कुल कट कर लेंगे कि मोड़ने में आसानी होगी। और फिर इस तरह से इसको आराम से चारों तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार से हम चारों तरफ से पट्टी इस फोल्ड कर लेंगे। ये हमने ये बैक पल रहा है तो इसमें हम डिजाइन निकालेंगे। तो हमने इसको बकरम पे काट लिया था, बॉट नेक पे नीचे से पान की डिजाइन है। ये सेंटर है इसका, इनर वाले ये इनर वाला कुर्ता है तो ऊपर से ये नेट है, अंदर इसमें इनर लगी है। इस तरह से आप भी कच्चा करके इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया
और इसका सेंटर निकाला, ये इसका सेंटर है ये। अब इसको इस तरह से खोलेंगे और इसके सेंटर पे सेंटर रखेंगे इस तरह से यहाँ, और इसको यहाँ तक इसके जो सेंटर निकलेगा ना इस तरह से रखेंगे, और एक बीच में इसकी सिलाई डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ सिलाई डालेंगे और इसमें इस ये चारों तरफ इसके सिलाई डाल देंगे। सेंटर पर हमने सिलाई डाल दी है, इससे हमारा क्या है ये इधर उधर नहीं होगा और बीच पे रहेगा। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे और इसके बगल बगल से, बकरम के ऊपर सिलाई नहीं डालेंगे, जस्ट बकरम के बगल बगल से ही सिलाई डालेंगे। इस तरह से हमने इसको ये चारों तरफ से अटैच कर लिया है सिलाई से। अब हम इसको एक घोड़े की दाव से मतलब छोड़ के, इतना छोड़ के चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देंगे इसमें, और जो बीच में जो सिलाई डाली थी यहाँ से इसकी सिलाई डाल यहाँ से कट करेंगे। थोड़ा सा दाव से दोनों साइड से छोड़ा है इससे कट करके, और इसके चारों तरफ से उतना ही कपड़ा छोड़ के कटिंग करेंगे। सबसे पहले काटने के बाद अब हम इसमें थोड़े से खुटका लगाएंगे जिससे हमें पलटने में आसानी होगी, लेकिन खुटका लगाते टाइम पे इतना ध्यान है जो सिलाई इसके ऊपर कट ना लगे। ये हल्का हल्का सा इसका चारों तरफ इसके खुटका लगा देंगे। इसके के बाद अब हम इसको अंदर फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ से इसको लेंगे इस तरह से, फोल्ड कर देंगे, और जो किनारी है किसी भी नुकीली चीज से आप पेच का सो कैंची के नुक से इस तरह से इसको अंदर कर देंगे हल्के हाथ से। इस तरह से ये इसको पलटने के बाद यहाँ आप कच्चे सिलाई करके आप तुरपन कर लें, यहाँ अगर आप चाहें तो बटन लगा लें या डोरी बना के लगा सकते हैं, और ये गला बनके हमारा तैयार हो जाता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।